मध्य प्रदेश सहित विदिशा जिले भर के थानों में पद स्थापना को लेकर सर्जरी की जा रही है, जिसका असर पठारी थाने पर भी नजर आया, जिसके स्थान पर दीपक राठौड़ को थाना प्रभारी बनाया गया है। दीपक राठौड़ को पहली बार थाने का प्रभार दिया गया है। इसके पूर्व विदिशा, गंज बासुदा, शमशाद बाग और भोपाल में बेहतर सेवाएं दे चुके हैं। जिले की कई सनसनी वारदातों का खुलासा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवागत थाना प्रभारी दीपक राठौड़ ने बताया कि पीड़ित, दुखी, परेशान, लाचार, मजबूर व्यक्ति को न्याय दिलाना प्राथमिकता होगी। लॉ एंड ऑर्डर का विधिवत पालन कराना सर्वोपरि होगा। कोविड 19 की गाइडलाइन का पालन पर फोकस बरकरार बना रहेगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस को मिलने वाली गोपनीय जानकारी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के भरकस प्रयास किए जाएंगे। उधर निवर्तमान थाना प्रभारी महेंद्र साक्य की विदाई के दौरान स्टाफ और पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 9 महीने के कार्यकाल में सराहनीय सहयोग मिला है। भविष्य में नगर और क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर और इसी प्रकार सुख शांति चैन बरकरार बना रहेगा। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो और जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चल रहा है वही होता है। दूसरा, अपराध जितने हैं उनका जल्दी से जल्दी निकाल करेंगे और कोई गंभीर अपराध, कोई गंभीर घटना ना घटे और अपराधियों पर और अपराधों पर नियंत्रण रहेगा मेरी प्राथमिकता रहेगी। बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेट्रोलिंग करेंगे, अपनी सूचना स्ट्रॉन्ग रखेंगे और हमारा भी प्रयास रहेगा कि अभी तक कोई ऐसी घटना न घटी तो आगे भी कोई घटना न घटे, उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। ये हमारी गुप्त सूचनाएँ रहती हैं, सूचना संकलन का विषय है। प्रयास हमारा रहता है कि मुखर हमारे विश्वसनीय हों, अच्छे हों और जो सूचना मिली वो सटी हुई उसका प्रयास पिछले सालों में हम अच्छी मुखर रहेगी। तो यहाँ भी प्रयास करेंगे कि जो मुखर रहे वो विश्वसनीय रहे और अच्छी रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।